आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहां पर दो सेंटेंस लिखे हुए हैं, मैं सुबह को खेलता हूं, और दूसरा सेंटेंस लिखा हुआ है मैं सुबह से खेल रहा हूं। अधिकतर हम लोग ये सोचते हैं कि जिस सेंटेंस में टाइम दिया गया हो या जिस सेंटेंस में टाइम की बात हो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। क्या आप बता सकते हैं ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है और ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है? परफेक्ट कंटिन्यूअस से रिलेटेड जितनी भी कन्फ्यूजन है आज आपकी कन्फ्यूजन दूर होने वाली है, तो इसलिए पूरा वीडियो देखें। स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस इसमें दो टेंस मिला करके एक टेंस बना है परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसी कौन सी बात है जो परफेक्ट में भी है जो कंटिन्यूटी में भी है? आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, मैं सुबह से खेल रहा हूं, सुबह से खेल रहा हूं। यहां पर एक पीस ऑफ टाइम दिया गया है, पीस ऑफ टाइम, एक पीरियड दिया गया है नाउ, और ये है मॉर्निंग। सुबह से खेल रहा हूं, आपको क्या समझ में आएगा? आपको समझ में ये आ रहा है कि कुछ तो काम हो चुका है और अभी कुछ काम होना बाकी है। मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, सुबह से पढ़ रहा हूं, पीस ऑफ टाइम दिया गया है, कुछ तो मैं पढ़ चुका हूं और अभी कुछ पढ़ रहा हूं। तो इस तरीके से दो सेंटेंस को, दो टेंस को मिलाकर के यहां पर एक टेंस बनाया गया है परफेक्ट और कंटिन्यूअस को मिलाकर के। तो यहां पर परफेक्ट भी रिफ्लेक्ट होगा और कंटिन्यूअस भी रिफ्लेक्ट होगा। आगे हम इनके हेल्पिंग वर्ब में देखेंगे कि किस प्रकार से परफेक्ट की भी हेल्पिंग वर्ब आती है और कंटिन्यूअस का हम आईएनजी लेकर के आते हैं। चलिए अब यहां पर दिए गए दोनों सेंटेंस में हम एक बार डिफरेंस देखते हैं। यहां पर दिया गया है मैं सुबह को खेलता हूं, मैं सुबह से खेल रहा हूं। बहुत आसान तरीका इसको पहचानने के लिए आपको से मिलेगा, सेंटेंस में आपको एक जवाब मिलेगा कब से। अगर आप एक क्वेश्चन पूछते हैं, तुम कब से खेल रहे हो, मैं सुबह से खेल रहा हूं, लेकिन आपको यहां पर इसका आंसर नहीं मिलेगा। मैं सुबह को खेलता हूं, तुम कब से खेल रहे हो, मैं सुबह को खेलता हूं, आंसर क्या मिल रहा है? आंसर मिल रहा है आप कब खेलते हो। आपको इस प्रश्न का आंसर नहीं मिल रहा है, आपको इस प्रश्न का आंसर तब मिलेगा जब वहां पर एक पीस ऑफ टाइम दिया गया होगा, एक टाइम दिया गया होगा। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे रिलेटेड और है, आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कि हम फॉर यूज करेंगे या सिंस यूज करेंगे, फॉर यूज करेंगे या सिंस यूज करेंगे, हम इस पर भी बहुत ही विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। ओके, अब इसका ट्रांसलेशन करेंगे। मैं सुबह से खेल रहा हूं, आई हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। सबसे पहले सब्जेक्ट और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद वर्ब में आईएनजी लगाएंगे और उसके बाद क्या करेंगे, सिंस या फॉर लगाएंगे। जैसा कि हम इसके पहले बात कर रहे थे कि सिंस कब लगाएंगे और फॉर कब लगाएंगे। ओके, सिंस और फॉर थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट ये कंफ्यूजन आपका दूर होने वाला है। सिंस जब एग्जैक्ट किसी टाइम की बात होती है, वो टाइम जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, एग्जैक्ट जिसको आप मेजर नहीं कर सकते, सिंस यूज करेंगे। जैसे मॉर्निंग, ये फिक्स टाइम है। जैसे मंडे, ये एक फिक्स टाइम है। जैसे 2018, 2019,
ये फिक्स टाइम है। अब आप सोच रहे होंगे किसको हम काउंट नहीं कर सकते, यस 2018 एक ही बार आता है, 2019 एक ही बार आता है, ये फिक्स है। अब इन कंपेरिजन ऑफ हम यहां पर देखें 2 आवर्स 3 आवर्स फ्रॉम 1 डे 2 डेज यहां पर ये मेजरेबल है, कितने घंटे 1 2 3 कितने दिन 1 2 3 सो यू कैन मेजर दिस पोर्शन ऑफ टाइम बट हेयर आप मेजर नहीं कर सकते। ये एक फिक्स टाइम है और ये टाइम फिक्स नहीं है। जहां पर टाइम फिक्स होता है वह हम सिंस यूज करते हैं और जहां पर टाइम फिक्स नहीं होता है वहां पर हम फॉर यूज करते हैं। तो ये कंफ्यूजन आपकी खत्म। अब दूसरी चीज हम देखते हैं कि क्या सभी सेंटेंस में हैव आएगा, नहीं। इसके पहले जो वीडियो मैंने बनाई थी प्रेजेंट परफेक्ट की, एक बार आप उसको जरूर देखिए, आपका कंफ्यूजन दूर होगा। दूसरा सेंटेंस मैं लिखता हूं, वह है सुबह से खेल रहा है। पहले हम ये देखेंगे कि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है कि नहीं, कब से खेल रहा है, क्वेश्चन पूछेंगे कब से, हमको आंसर मिल गया सुबह से। गुड, सुबह से, दैट मीन ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब इसको हम बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट को लेंगे, ही हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अब यहां पर हमने एक बात की थी, क्या बात की थी, आपको हेल्पिंग वर्ब मिलेगी परफेक्ट की और आपको कुछ चीजें मिलेंगी कंटिन्यूअस की, परफेक्ट कंटिन्यूअस। बीन जो रिप्रेजेंट करता है टाइम के लिए, ही हैज बीन प्लेइंग, अगर आपको परफेक्ट टेंस आता है, अच्छे से आता है, परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब अच्छे से आती है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब लेनी है प्लस बीन लगाना है प्लस वर्ब में ing लगाना है। एक चीज मैं आपको यहां पर क्लियर कर दूं, कहीं भी अगर रहा आता है सेंटेंस में तो आप ing यूज करेंगे, जी हाँ, इसका मतलब होता है कंटिन्यूअस, चाहे वो सिंपल कंटिन्यूअस हो या परफेक्ट के साथ में कंटिन्यूअस हो। ओके, ये था अफर्मेटिव के लिए, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ में ing। अब हम देखते हैं इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे। वह सुबह से नहीं खेल रहा है, वह सुबह से नहीं खेल रहा है, ही हैज Not been playing since morning। जी, आपको यहां ध्यान देना होगा not कहां पर आया है, has और been के बीच में। तो इसका sentence structure कैसा होगा, subject plus has और have प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब ing के साथ में प्लस उसके बाद आप क्या करेंगे, सिंस और फॉर प्लस ऑब्जेक्ट।
थोड़ा सा लंबा जरूर दिख रहा है आपको, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो यहाँ से लेके यहाँ तक होगी, और उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी, सेंस फॉर, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो ये स्ट्रक्चर है आपका निगेटिव का। यहाँ पर है वह सुबह से नहीं खेल रहा है, अगर यहाँ पर होता मैं सुबह से नहीं खेल रहा हूँ तो क्या बन जाता, आई हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अगर यहां पर हो वह दो घंटे से नहीं खेल रहा है, ही हैज नॉट बीन प्लेइंग फॉर मॉर्निंग। अगर यहां पर हो मैं सुबह से नहीं खेल रहा हूं, मैं दो घंटे से नहीं खेल रहा हूं, आई हैव नॉट बीन प्लेइंग फॉर टू आवर्स। ओके, अब हम देखेंगे निगेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे। निगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे, ओके नेक्स्ट, अब हम देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक, क्या वह सुबह से खेल रहा है, क्या। तो ये सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो रहा है, यहां पर अगर सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है तो हम हेल्पिंग वर्ब पहले यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या होगी, दिस विल बी अकॉर्डिंग द सब्जेक्ट, सो व्हाट इज द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज ही, ही। सबसे पहले हम क्या लेके आएंगे, हैज, हैज ही बीन प्लेइंग सुबह से, सिंस मॉर्निंग, हैज ही बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। दूसरा क्या बना सकते हैं, क्या मैं सुबह से खेल रहा हूं, Have I been playing since morning? Okay. अब आप सुबह से कहाँ हो, दूसरे टाइप का इंटरोगेटिव देखते हैं। दूसरे टाइप का इंटरोगेटिव क्या होगा, डब्ल्यू एच फैमिली के वर्ड्स आएंगे, ठीक है। तुम सुबह से कहाँ हो, तुम, सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू, हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, तुम के अकॉर्डिंग, तो क्या हो जाएगा, हैव। और चूंकि ये प्रश्नवाचक है, और कैसा प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक शब्द वाक के बीच में आ रहा है, तो हम इसकी सबसे पहले इंग्लिश बनाएंगे, वेयर, आपकी आसानी के लिए मैंने ये जो दोनों चीज पहले डाली थी, वेयर हैव यू बीन सिंस मॉर्निंग, आप सुबह से कहाँ हो, बीन अमेरिका। ओके, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, एंड डू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, थैंक यू।